बच्चों, मैं बोझना इंग्लिश मीडियम स्कूल से अंजू किंकर। आज हम लोग क्षितिज भाग दो का पद दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। जिस तरह हम लोग पहले पद को पढ़े, जिसमें श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए भेजे थे, उस पद में हम ये देखे कि गोपियां किस तरह उद्धव को व्यंग करती हैं। तो आज हम दूसरा पद शुरू करेंगे। तो दूसरे पद में गोपियां हैं जो अपने दुख को व्यक्त करती हैं कि जब श्री कृष्ण उनके पास नहीं आते हैं और वो उद्धव को भेजते हैं, जब उद्धव की बात वो सुन लेती हैं, उसके बाद उनके मन की व्यथा क्या है, उनके मन की पीड़ा क्या है, वो उद्धव के सामने रखती हैं। तो मन की मन ही मांझ रही, यहाँ मांझ का अर्थ है दबी हुई। मन की मन ही मांझ रही, हे उद्धव, हमारे मन की बात तो हमारे मन में ही दबी रह गई, अब हम किससे क्या करें? कहिए जाए कौन पे उद्धव, नाही परत कही। यहाँ परत का अर्थ है पड़ रहा। अब यहाँ पे गोपियां कहती है, हे उद्धव, अब हम अपने मन की बात किसे कहें? ये हमारे मन की बात तो हमारे मन में ही रह गई है। वही आधार आस आवन की, तन मन बिहार सही। यहाँ पे अवधि का अर्थ है समय, आवन का अर्थ है आना और विथा का अर्थ है व्यथा या दुख। तो यहाँ गोपियां कहती है, हे उद्धव, जो हमारे मन में था कि श्री कृष्ण आएंगे और हम उनसे मिलेंगे, लेकिन अब तो वो समय ही चला गया है, अब हम किसका आस करें, हम किसकी आस करें कि वो आए और हमारी पीड़ा को हर दे। अब तो हमारे तन मन में जो पीड़ा है वो भी अब बढ़ रही है। अब इन जो संदेशिनी सुनी सुनी बिंदिनी बिरह रही, इसका अर्थ है कि हे उद्धव, तुम जो संदेश लेके आए हो उसे सुन सुनकर हमारी पीड़ा तो और बढ़ी जा रही है। तुम ये कैसा संदेश लेकर आए हो? चाहती पुती गुहारी जितनी ते उतते भार रही। हे उद्धव, यहाँ पर जो बचाने वाला रहता है वो किसी के पुकारने से तुरंत आ जाता है। जिस तरह श्री कृष्ण अब हमारे पीड़ा को, हमारे दर्द को सोचकर सुनकर उन्हें खुद ही यहाँ आना चाहिए, लेकिन पहले ऐसा होता था कि लोग किसी के दुख और दर्द पे तुरंत चले जाते थे, लेकिन अब तो यहाँ ये हालत हो गई है कि हमारे दुख को जानकर भी हमारे जो रक्षक है उसे मिटाने के लिए नहीं आ रहे हैं। सूरदास अब भीड़ धरी क्यों मजाजना लही। यहाँ सूरदास गोपियों के द्वारा कहना जा रहे हैं कि अब हम धीर का अर्थ क्या है? धैर्य। धनी का अर्थ है रखना। मर्याद का अर्थ है, मर्याद का अर्थ हुआ मर्यादा, लही का अर्थ हुआ देखना। तो यहाँ पे सूरदास गोपियों से कह द्वार है कि अब हम क्या धैर्य धरे, अब हम किसके लिए रुके, जो हमारी पीड़ा भरने वाले थे वो तो खुद ही नहीं आ रहे हैं, तो हम किसके लिए रुके, अब तो हमारे साथ जो होना है वो हो ही जाएगा, अब हम उसकी पीड़ा में तो फंसी गए हैं, उसके प्रेम में तो फंसी गए हैं, तो अब हम उसे नहीं निकल सकते हैं। श्री कृष्ण को हमने अपना मन दे दिया है, हम उनके सौंदर्य से, हम उनकी भक्ति में बहुत ही लीन हैं, लेकिन उन्हें हमारी कुछ नहीं पड़ी है। इस तरह से आज हम लोग पद का दूसरा भाग समाप्त करते हैं। तीसरे पद में सूरदास क्या लिखते हैं? हमारे हरी हारी की लकड़ी। इसका अर्थ क्या है? यहाँ पे हारी किसे कहा गया? हारी एक तरह की पक्षी है जो कि अपने पंजे में लकड़ी पकड़कर रखा रहता है। वह जब लकड़ी उस पंजे में पकड़ा रहता है तो उसे लगता है कि मैं बहुत सुरक्षित हूँ। तो उसी तरह यहाँ पर गोपियां कहती कि हे उद्धव, श्री कृष्ण तो हमारे लिए उस हारी की, उस पक्षी की लकड़ी की तरह है जिसे हमने अपने मन में, अपने हृदय में बसा लिया। मन क्रम वचन नंद नंद फूल यह दृढ़ करी पकड़ी। फूल का अर्थ होता है हृदय। तो यहाँ पे गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हम लोग जो है
हृदय में पकड़कर रखा हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी काना काना जगरी, यहाँ पे निशी का अर्थ है रात। तो यहाँ गोपियां कहती है कि जागत सोवत स्वप्न दिवस, मतलब जगते समय सोते समय दिन हो या रात हो, हम हमेशा काना काना ही करते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करी कभी, गोपियां कहती है हे उद्धव तुम्हारी जो जोग की बात है, योग की बात है, तुम्हारा जो ब्रह्म की बात है, ये हमारे कोई समझ में नहीं आता है। तुम्हारी ये बातें हमें एक कड़वी ककड़ी के समान ही लगती है। सूत और व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी, व्याधि का अर्थ होता है रोग। तो यहाँ पे गोपियां कहती है उद्धव तुम ये कैसा रोग लेके आए हो जिसके बारे में ना हमने कभी सुना है ना कभी जाना है। तू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी, यहाँ व्याधि का अर्थ होता है रोग। तो यहाँ पे गोपियां कहती है हे कृष्ण हे उद्धव तुम ये कैसा रोग लेके आए हो जिस रोग को ना हमने कभी सुना है ना कभी जाना है। या तो सुर की नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री, गोपियां कहती है हे उद्धव तुम ये जो योग की बात करते हो, ये जो ब्रह्म की बात करते हो, ये तुम किसी और के पास ले जाओ, जो जिसका मन इधर उधर भटकता है उसके पास ले जाओ। हमारा मन तो केवल कृष्ण में ही रमा हुआ है, हमारा मन और कहीं नहीं जाता, हमारा हृदय और मन केवल कृष्ण कृष्ण ही करता है। तो ये जो तुम्हारे योग की बातें हैं, ब्रह्म की बातें हैं, ये तो किसी और को ही समझाना। तो इस तरह आज हम पद दूसरा पद समाप्त करते हैं।